शान अली रहमान और आज मैं मौजूद हूँ बेरा के इलाका मड़ी में। मेरे पीछे आप एक मंदिर देख सकते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर बड़ा पुरसरार है और इसके नीचे भी जाने का एक रास्ता मौजूद है। आए मैं वो आपको दिखाता हूँ। इस शहर को 1540 में शेरशाह सूरी ने आबाद किया था। ये शहर दरियाए झेलम के किनारे वाक़िया है। मंदिर के नीचे भी एक मंदिर था और मंदिर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। मंदिर के गिर्दनुमा जो दूर दराज गाँव में घर देखे वो सब हिंदुओं के घर थे। इस बात से पता चलता है कि इस इलाके में हिंदुओं की काफ़ी तादाद मौजूद थी। मंदिर को आबादी से दूर और दरियाए झेलम के किनारे बनाया गया था। इस मंदिर की कोई तारीख तो नहीं मिली। इलाका मकीनों से भी इसके बारे में पूछा लेकिन वो सब कहते हैं कि ये हमारे बाप दादा से भी पहले का है। इस बात से ये पता चलता है कि शेरशाह सूरी यहाँ 1540 में आए थे या फिर ये मंदिर उससे पहले का है या फिर उसके बाद का है। तारीख पता ना होने की वजह से हम कोई एक कंफर्म बात नहीं कर सकते। ये रास्ता मंदिर के नीचे जाता है जहाँ खसूसी इबादत की जाती थी। अभी मैं नीचे जाऊँगा और आपको नीचे से सारा मंदिर दिखाऊँगा कि अंदर से वो मंदिर किस तरह का था। अक्सर मंदिरों में देखने को मिलता है कि वहाँ उनके कुछ नाम लिखे होते हैं या कोई मूर्तियाँ बनी होती हैं। इस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि ये कब बना, इसको किसने बनाया और यहाँ कौन से इनके भगवान की पूजा होती थी। लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि मंदिर को बड़ी मजबूती के साथ तामीर किया गया था। मंदिर के ऊपर और मंदिर के नीचे रोशनी और हवा के लिए रोशनदान बनाए गए थे। ये रास्ता जो है ये मंदिर के नीचे जाता है। कहा जाता है कि ये वो लोग यहाँ पे आया तो ये देखें ज़रा, ये इसका अंदरूनी मंजर, ये सारा टूट फूट का शिकार हो गया है और